हेलो गाइस, तो आज मैं थोड़ी फ्री थी तो मैंने सोचा मैं कोकोनट के लड्डू बनाऊंगी। यार मेरे साथ मेरी मम्मी। हेलो बोलो। हेलो बाय। तो चलो बनाते हैं। हाँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर अपना कोकोनट का बुरादा ले लिया, जो कि हमने पहले कोकोनट में से निकाल के और उसका पाउडर बना दिया था। मिक्सी करके अब इसको पहले हम घी थोड़ा गरम करेंगे और फिर इसको भूनेंगे। तो मैं दिखाऊंगी, ये देखो, ये घी गरम करने के लिए रख दिया। इसमें हमने कितना अप्रोक्सीमेट, एक करछी, डेढ़ करछी हमने घी डाला है। तो अब ये गरम हो रहा है थोड़ा, इसमें फिर कोकोनट डालेंगे, जो कि ये रहा बिल्कुल पाउडर बनाया हुआ है। इसको तेज़ आंच पे नहीं रखना, थोड़ी हम गरम कम कर देते हैं, सिम पे रखा हुआ है। चल मैं पारा बोल। तो अब इसमें हम नारियल डाल रहे हैं। नारियल का बुरादा बोलना, अब इसमें हम नारियल का बुरादा डाल रहे हैं। अब धीरे 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 धीमी आंच पे हम धीरे धीरे हम इसको चला कड़छी को चलाएंगे। हाँ, बस नीचे नहीं लगने देना। हाँ स्वादिष्ट लड्डू तैयार करने के लिए अब हम क्यों गए थे, गया खा गया है ने भैया ना सारा, क्यों खाए? मैं तो पूरी करछी पर के साथ। हाँ जिहड़ी रेसिपी देखी सी ओहदे च आंटी ने तीन कटोरी कोकोनट लिता सी, ओहदे च तीन चम्मच घ्यो पाए सी। तीन कटोरी, ये साडा तां छे कटोरी होना, ये तो ज्यादा है। तो कड़छी एक भर के मैं पाती हाँ, ये ना ये तेल निकल हाँ, ठीक है ना, थोड़ा तो निकलेगा। हाँ धीमी धीमी आंच पर धीरे धीरे अब कड़छी को चलाते रहे। देखो थोड़ा थोड़ा अब भूनने भी लग गया, लाल होने लग गया। तो वो गाइस जो आप पीछे देख रहे हो, वो रेड और नीचे स्किन कलर की, वो दो पीढ़ियां हैं जो कि हमारा सेटअप था कैमरा का। ये रसोई, ये किचन आपको पता है कहाँ पे? ये मोहल्ली शहर में। सारे ने तुहाडे किचन आ जाना। ये मनप्रीत की किचन है, ठीक है। यहाँ पे पता बहुत बाहर नहीं निकालनी बुरा दे। देखो मेरा थोड़ा गिर गया था, मैं उठा के फिर डाल, नहीं नहीं उठा के नहीं डाल। इन बाद च रिपेयर भी करते हैं, डालने लगे दूध। अभी गाइस ये थोड़ा हो गया है, उन गया मतलब भूत गया है। तो इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, ये रहा दूध, और ये
4 कप के करीब है दूध। तो जो हमारा नारियल था वो भी 4-5 कोली के हिसाब से था, तो उसमें हमने 4 कप दूध डाला है अप्रॉक्सीमेटली। हमारा कुछ भी ऐसे वो नहीं है नापा हुआ। मेरी दादी की रेसिपी है। और मिल्क पाउडर का मिल्क पाउडर दूध थोड़ा मिल्क पाउडर के दुकान पहले इनू करना ही जाता कि अब्सॉर्ब नहीं कर लेना दूध थोड़ा। इलायची भी बना रही हो? नहीं तो पहला वाले वो दूध थोड़ा कम लग रहा था तो अभी और दूध डाल रहे हैं। ये दूध नारियल का दूध है। और कहाँ मेरे सामने इतना बहुत है। अरे मिल्क वाला पाउडर भी खाना है बहुत है ज़्यादा। लड्डू नहीं बनना फिर? लड्डू तो इन्होंने तो सुखाने ही है। चीनी भी तो पान की लोड़ पै ही सकती है। बस हूँ तो मैं रवैया लेटन चल रही हूँ। ठीक है मिल्क पाउडर ये पैया बाल्टी थोड़ा पानी च घोल के बनाना पाना पैना है। चीनी चिट्टी पानी तो उत्तों पानी शक्कर पानी तो उत्तों पानी हाथ विच भी हो गया पापा ही तेरा लड्डू खाने से ज्यादा खुश होंगे। अभी जो है नारियल ने पूरी तरह दूध को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस स्टेज पे हमें मिल्क पाउडर डालना है। अपने हिसाब से ये सब डालते रहना है। वैसे अगर थोड़ा सा रेसिपी के हिसाब से देखें तो जितना आपने नारियल लिया था उसका 1/4 मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर नेसेसरी नहीं होता, बस उससे थोड़ा खोया जैसा टेस्ट होता है। गैस हमारी सिम पे ही है अभी तक, तो मिल्क पाउडर डालेंगे। इतना काफी होना चाहिए। थोड़ा सा कम लग रहा है और डाल देते हैं।
मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खोया जैसा। ऐसे अगर आपके पास नहीं भी है तो ज़रूरत नहीं है डालने की। थोड़ा सा आप दूध ज़्यादा डाल सकते हो, दूध को अगर हम बॉईल करते रहेंगे तो वो भी खोया जैसा ही टेस्ट लगेगा। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा दूध डाल देते हैं, तभी उसमें इतना अच्छा खोया जैसा टेस्ट आता है अगर हम घर पे बनाएं। वैसे बाहर से तो आप खोया भी ला सकते हो। इसको थोड़ा सा और मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका दूध जो है पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो जब तक ये एब्जॉर्ब होता है तब मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप। तो ये गाइस मेरा बन चुका है, इसको अच्छे से भून लिया था। इसमें आप सोच रहे होगे ये ब्राउन कलर का क्यों गया, क्योंकि ये इसमें ब्राउन शुगर मैंने डाल दी थी। तो इसका पूरा पानी सूख चुका है, बस अब इसका वेट करूंगी कि ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। It's not a game, it's a rage thing.